हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था कि चार टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराया जाए, तो यहाँ पे हमने चार नहीं बल्कि पांच टेबल्स बनाई हैं और रिलेशनशिप भी क्रिएट कराया है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये मैंने किया है। देखिए, सबसे पहले तो एक टेबल मैंने बनाया रजिस्ट्रेशन टी के नाम से। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक रजिस्ट्रेशन आई डी है, ठीक है, जिसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। यहाँ पर क्लास, जिसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। और फिर यहाँ पर इसमें मैंने रिकॉर्ड फिल कर दिया है, जैसे R1001 यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी शुरू होती है। क्लास 12th है, ये 12th है, ये 11th है, और भी आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद एक और टेबल मैंने क्रिएट किया है स्टूडेंट टी के नाम से। इसमें रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, इसे नंबर डेटा टाइप रखा है। यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है और रजिस्ट्रेशन आईडी एक कॉमन फील्ड जो वहाँ पर डाली थी मैंने पहले टेबल में, वो इसमें भी डाल रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें एंटर की हैं आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी सेम होनी चाहिए जो पहले वाले टेबल में थी, ठीक है। इसके बाद एक और टेबल मैंने बनाया जिसे मैंने रखा है कोर्स टी के नाम से। तो ये कोर्स टी वाला टेबल देख सकते हैं, जिसमें कोर्स आईडी दिया है मैंने, ऑटो नंबर, और यहाँ पे कोर्स का नेम दे दिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ इस तरीके से फिलिंग हुई है, ये देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्कॉलर टी वाले टेबल पर। तो ये स्कॉलर टी वाला टेबल है और इसमें किस किस तरह के तरीके से रिकॉर्ड फिल किया गया है। इसमें स्कॉलर आईडी है A1001, ठीक है, सिटी का नाम है। कोर्स आईडी इसमें इंक्लूड किया है मैंने, कॉमन फील्ड लिया है कोर्स आईडी, ठीक है। और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी भी लिया है। तो ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी और कोर्स आईडी दोनों ही मैंने इसमें लिया है कॉमन फील्ड, ठीक है। अब ये करने के बाद एक स्टूडेंट डी नाम से बनाया मैंने, और इसमें क्या किया है मैंने, ये देख सकते हैं पूरा डिटेल। इसमें एक आईडी एक फील्ड ली है जिसे प्राइमरी की सपोज टू भी रखा गया है, और यहाँ पे स्कॉलर आईडी है, नेम ऑफ फादर है, नेम ऑफ मदर है, ठीक है। तो ये फील्ड्स लिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से फिल कर दी गई हैं, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, ये सारी चीज़ें फिल की गई हैं। अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, और रिलेशनशिप देखिए कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। अब इसको मैं पूरा डिटेल में दिखाने के लिए इसको पूरा क्लोज कर देता हूँ पहले, और क्लोज करने के बाद यस कर देता हूँ ये। और जब आप रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए जाएंगे तो डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, फिर यहाँ से रिलेशनशिप पे जाएंगे, तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। अब ये किया कैसे है मैंने वो समझ लीजिए। जैसे ये रजिस्ट्रेशन आईडी मेन टेबल है आपकी, देख लीजिए ये जो मेन टेबल है रजिस्ट्रेशन आईडी वाली, ये यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी एक कॉमन फील्ड लिया हुआ है स्टूडेंट टी वाले टेबल में। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको ड्रैग करके उठाइए और यहाँ पे लाके रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी जो है लिंक हो जाएगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन टी में, अब रजिस्ट्रेशन टी और स्कॉलर टी में रजिस्ट्रेशन आईडी जो है कॉमन रखा है मैंने। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनाया गया है। अब इन दोनों को लिंक कराना है, तो इसको उठाया मैंने और यहाँ पे लाकर रख दिया, तो ये भी एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये दिखा रहा है कि पहले से क्रिएटेड है, दोबारा आप नहीं क्रिएट करा सकते क्योंकि पहले से आपने क्रिएट करा रखा है। अब यहां पर देख सकते हैं इसमें स्कॉलर आईडी जो है प्राइमरी की बनाया मैंने, और यहां पर स्कॉलर आईडी है, ठीक है, दोनों ही में स्कॉलर आईडी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर स्कॉलर आईडी को उठाइए और यहां पर लाकर रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको सबको टिक कर देना है और ओके कर देना है, तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। और फिर बचा हुआ है कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और इसको कोर्स आईडी से लिंक करवा दिया है, तो काम आपका हो गया। इसी तरीके से आपको लिंक करवाना है। अब फायदा क्या है इसका वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टी वाले टेबल पे आते हैं, जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको प्लस का निशान दिखाई पड़ेगा, इस प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि R1001 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस बच्चे का, जो कि क्लास 12th का स्टूडेंट है, उसने कोर्स, उसकी कोर्स आईडी 1 है और साइंस साइड से ये पढ़ रहे हैं। और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको उनकी स्कॉलर आईडी और उनका जो सिटी का नाम है वो पता चल जाता है, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं। अगर आप फादर नेम और मदर नेम भी देखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एक और प्लस का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि इस पे जो है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर इनकी आईडी नजर आ रही है आपको। अब आईडी आप हटा भी सकते हैं, यहां पे नेम ऑफ फादर और नेम ऑफ मदर, ये पूरा डिटेल एक स्टूडेंट का अलग अलग टेबल से फेच करके आप लेके आ सकते हैं। ये फायदा है रिलेशनशिप क्रिएट कराने का, ठीक है। अब यहां पर पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी एक ही जगह, आपको अलग अलग जगहों पर जाकर देखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह दिख जाएगी। और इसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आई होप कि आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।